गाइज वेलकम बैक टू मिस्टर व्यास। और आज एग्जैक्टली हम बात करने वाले हैं कि गूगल आपकी वेबसाइट को कैसे रैंक करता है। पिछले लाइव सेशन के अंदर हमने डिस्कस किया था कि एसईओ क्या है, किस तरीके से एसईओ काम करता है। तो आज मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज़ समझाने वाला हूँ कि एग्जैक्टली जब भी आप आपकी वेबसाइट को पब्लिश करते हैं तो गूगल इसको किस तरीके से लेता है और आपकी साइट किस तरीके से रैंक होती है। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि जो आप एचआरएफ के अंदर कुछ कीवर्ड्स देखते हैं उसका क्या मीनिंग है, वो डेटा किस तरीके से आता है। सो अगर आप ऐसे कुछ जानना चाहते हैं इंटरेस्टिंग चीज़ें ब्लॉगिंग से रिलेटेड, एसईओ से रिलेटेड, मेक मनी ऑनलाइन से रिलेटेड, तो गाइड विदाउट हेजिटेशन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा, अदरवाइज आपको फ्यूचर के वीडियोस नहीं मिलेंगे। आई होप कि गाइज आपने चैनल तो सब्सक्राइब कर ही लिया होगा, अगर नहीं किया हो तो एटलीस्ट यार इतना तो कर लीजिए, क्योंकि चैनल पे अराउंड 50% लोग ऐसे हैं जो व्यूज देते हैं लेकिन वो चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं जाते, और वो रिपीटेटिव व्यूअर्स है, मतलब वो बार बार चैनल पे भी आ रहा है। अगर आप उसमें से एक हो तो डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए गाइस बात करते हैं एग्जैक्टली गूगल कैसे काम करता है और क्या चीज़ें हैं जो आपको बेसिक्स में समझनी चाहिए अगर आप एक ब्लॉगर है, कोई वेबसाइट बना करके उसको रैंक करवाना चाहते हैं। इस लिस्ट के अंदर गाइस आपको तीन चीज़ें ध्यान रखनी होती है। कोई भी सर्च इंजन इन्हीं तीन मैकेनिज्म पे काम करता है। जब सबसे पहला मैकेनिज्म होता है वो होता है सर्च, मतलब कि गूगल या कोई भी सर्च इंजन आपकी वेबसाइट को ढूंढता है, और दूसरा होता है क्राउलर और तीसरा होता है इंडेक्सिंग। ये तीनों चीज़ें क्या होती हैं हम वन बाय वन करके बढ़ेंगे आगे और आपको एक एक चीज़ एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन अगर आपने हमारा एसईओ का पूरा फुल सेशन अराउंड वन आवर का मिस किया है, आई बटन के अंदर वीडियो है, आप उसको जाकर के देख सकते हैं, क्योंकि आज मैं आपको इंपॉर्टेंस ऑफ साइट मैप इन गूगल सर्च रैंकिंग में भी बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं सर्च। सर्च का मतलब क्या होता है? जैसा कि मैंने एक आपको उस वीडियो के अंदर भी एक्सप्लेन किया था कि अगर आप कोई वेबसाइट बनाते हैं, उस पर कंटेंट पब्लिश करते हैं, तो गूगल को पता होना चाहिए कि हाँ भाई आपने कुछ पब्लिश किया है। क्यों? क्योंकि गूगल ढूंढता रहता है कि भाई कौन है, किस बंदे ने कौन सी वेबसाइट पे क्या कंटेंट पब्लिश किया है। तो गाइज ये पहला मैकेनिज्म होता है सर्च का, जहाँ पर किसी भी सर्च इंजन को पता लगना चाहिए कि हाँ वो सर्च करता है कि भाई इस वेबसाइट ने इस जगह पे कुछ पब्लिश किया है। तो उस केस के अंदर हम गूगल की हेल्प करते हैं, और वो हेल्प किस तरीके से करते हैं, हम हमारी जो पोस्ट की जो URLs होती हैं उस URL को जाकर के जैसे गूगल वेबमास्टर में सबमिट कर देते हैं, बिंग के सर्च इंजन के लिए हम बिंग वेबमास्टर में सबमिट कर देते हैं, कुछ डायरेक्टरीज होती है वहाँ पे सबमिट कर देते हैं, और साथ ही साथ हम पिंग भी कर देते हैं। अगर आप योस्ट SEO या फिर रैंक मैथ SEO जैसे प्लगइन यूज़ करते हैं तो ये पिंग करने का काम, पिंग मतलब क्या होता है कि वो एक्जैक्टली एक तरीके से ट्रिगर करता है सर्च इंजन को कि भाई आओ इधर कुछ तो चेंज हुआ है। और गाइस यहाँ पे इंपॉर्टेंस आता है सर्च मैकेनिज्म के अंदर, वो होता है उसका साइट मैप। क्योंकि हम क्या करते हैं, हमारी साइट का एक मैप क्रिएट करते हैं, और उसके अंदर जैसे ही अगर आप आपकी साइट पे कुछ भी चेंजेस करते हैं तो ऑटोमेटिकली वो पर्टिकुलर लिंक होती है वहाँ पे न्यू अपडेट डेट आ जाती है, जिससे कि सर्च इंजन को पता लगता है कि हाँ भाई यहाँ पे कुछ चेंजेस हुआ है। इसलिए कहा जाता है कि आप साइट मैप बनाइए। आइडियली रिकमेंड किया जाता है कि जितनी अगर आपकी बड़ी साइट होगी तो उसमें साइट मैप इंपॉर्टेंट होता है, आपकी छोटी साइट होती है तो उसमें साइट मैप नहीं होता है, लेकिन डिफॉल्ट आपको साइट मैप बनाना ही है। तो ये मैकेनिज्म हो गया पहला सर्च का मैकेनिज्म, जहां पर किसी सर्च इंजन को आपको बताना है कि हाँ भाई मैंने कुछ पब्लिश किया है, फिर वो आपको ढूंढ के लेके आएंगे और आपका सर्च हो जाएगा सर्च इंजन से। और मान लीजिए कि एक बार किसी सर्च इंजन ने फाइंड आउट कर लिया कि आपने कुछ पब्लिश किया है, तो गाइस यहां पर सेकंड स्टेप आता है, दैट इज द क्राउलर। और एग्जैक्टली क्राउलर क्या होता है, जैसे ही सर्च इंजन को पता लगता है कि यहाँ कुछ है, तो वो उसके कुछ एल्गोरिथम्स, उसके कुछ AIs होते हैं, उसके कुछ बॉट्स होते हैं, इनको आपकी साइट पे भेजता है और ये आपके कंटेंट को रीड करता है, और यहाँ पर काम आता है आपका ऑन पेज SEO। तो गाइस अगर आपने किसी कीवर्ड को तरीके से टारगेट कर रखा है तो वो जो क्राउलर आता है वो आपकी साइट को रीड करता जाता है, और उसको जहाँ पे भी लगता है कि आपका पर्टिकुलर पोस्ट इस क्वेरी के हिसाब से है, गाइस उसके हिसाब से आपकी साइट का तीसरा ऑप्शन वो जो प्रोसेस करता है कोई सर्च इंजन, वो होता है इंडेक्सिंग। तो एग्जैक्टली इंडेक्सिंग क्या होता है कि सर्च इंजन का अपना एक डेटाबेस होता है, और जैसे ही वो क्राउलर आपकी साइट पे आता है तो वो आपकी लाइंस को पढ़ता जाता है, और उसको लगता है कि इस लाइन के हिसाब से इस पोस्ट का मीनिंग ये है, तो वो आपको उस पर्टिकुलर क्वेरी के लिए उनके डेटाबेस के अंदर एक पोजिशन दे देता है, और वही पोजिशन आपकी सर्च इंजन की रैंकिंग होती है। ओके गाइज, सो बेसिकली पहले आपकी साइट को सर्च किया जाता है, फिर गूगल या जो भी सर्च इंजन है उसका क्राउलर आपकी साइट पे आकर के आपकी साइट के ऑन पेज की जितनी भी चीज़ें आपने इंप्लीमेंट की हैं, वो पोस्ट किस चीज़ के बारे में है, कौन सा कीवर्ड आपने टारगेट किया है, वो सारी चीज़ें वहाँ पे सर्च करता है, और जब उसको पता लगता है कि ये इस कीवर्ड पे रैंक होना चाहिए, इससे रिलेटेड इस बंदे ने इस पोस्ट में लिखा है, तो उन पर्टिकुलर क्वेरीज के लिए आपकी साइट जो होती है उसको उसके डेटाबेस में एक पोजीशन दे देता है, और वही पोजीशन होती है आपकी सर्च इंजन रैंकिंग। तो गाइस ये तीन मैकेनिज्म होते हैं। अब जब भी आपको इंडेक्सिंग दी जाती है डेटाबेस के अंदर, तो
तो वहाँ पर गूगल बहुत सारे फैक्टर को जज करता है, जैसे कि आपके ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पोस्ट पे कितने लोगों ने बैकलिंक देके रखी है, आपने कितना तरीके से पोस्ट लिखा है, क्या ऑलरेडी जो पेजेस उस पोजिशन पर रैंक कर रहे हैं उसके कंपेरिजन में आपने अच्छा खासा लिखा है या नहीं लिखा है, ये सारा पैरामीटर देखने के बाद में उनके डेटाबेस के अंदर आपको एक पोजिशन दी जाती है। ये तीन मैकेनिज्म होते हैं जो कोई सर्च इंजन फॉलो करता है, सबसे पहले सर्च करने का जो आप उसको हेल्प कर देते हैं, दूसरा उसका काम है उसका क्राउलर आएगा आपकी साइट को रीड करेगा जिसमें आपको ऑन पेज एसईओ पे और ऑफ पेज एसईओ पे काम करना है, और तीसरा जो केस होता है गाइज वो इंडेक्सिंग का, इसके बाद वो सर्च इंजन आपको एक पोजिशन दे देता है। लेकिन इन सारे केसेस के अंदर एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है गाइज, वो होती है कि आपकी जो इनिशियल पोजिशनिंग होती है वो डिपेंड करती है कि आपकी साइट कितनी पुरानी है। जैसा कि कहा जाता है कि अगर आपकी साइट पूरी तरह से न्यूली और ब्रांडेड है, आपने पहला पोस्ट लिखा है, तो कभी ऐसा आपको देखने को नहीं मिलेगा अनलेस कि वो कोई न्यूज़ साइट हो या आपने कोई ट्रेंडिंग टॉपिक पर लिखा हुआ हो, कि उस केस के अंदर आपकी साइट एक तरीके से सैंडबॉक्स इनका एक कॉन्सेप्ट है जो लीगली ऐसा नहीं कहा जाता है। गूगल ने कभी भी ऐसा ऑफिशियली नहीं बोला है कि मैं एक सैंडबॉक्स का कॉन्सेप्ट रखता हूँ। सैंडबॉक्स में क्या होता है कि आपकी जो नई साइट्स होती हैं वो आइडियली वो उसके उस बॉक्स के अंदर रखता है, मतलब एक तरीके का एक डिफरेंट टाइप का उसका इंडेक्सिंग करता है, और उस केस के अंदर आपके पोस्ट और पेजेस की एक एक्सेप्टेंस टेस्टिंग होती है कि कभी कभी आपको लगता है कि मेरी साइट जंप होके इस कीवर्ड पे इस पोजिशन पे आ गया, लेकिन कभी हट जाती है। वो क्यों? क्योंकि अभी आपकी साइट पर टेस्टिंग चल रहा है, क्योंकि नई साइट पर कोई अथॉरिटी नहीं होती, आपने किस तरीके का कंटेंट लिखा है उस पर गूगल को किसी तरीके का भरोसा नहीं है। वो क्या करता है, यूजर को दिखाता, अगर यूजर को सही लगता है वहाँ पर एंगेजमेंट अच्छा आता है, उसकी बाउंस रेट कम होती है, उसकी एग्जिट ट्रेड कम होती है, तो गाइस उस केस के अंदर वो पोस्ट और पेजेस रैंक होने लग जाते हैं, और वो एक तरीके से एक्चुअली प्रोबेबली जो प्रोबेबिलिटी होती है अच्छी खासी इंडेक्सिंग की वो उसकी बढ़ जाती है। लेकिन अगर आपकी साइट उस यूएटी के अंदर फेल हो जाती है गाइस, तो वो उसको बहुत टाइम लग जाएगा कि उसको रैंक कैसे करना है, क्योंकि नई साइट आपसे ऑलरेडी बहुत सारे लोगों ने अच्छा खासा कंटेंट लिखा है, तो गूगल उनको प्रेफरेंस देगा आपकी साइट को नहीं। तो ये तो मैकेनिज्म हो गया कि किस तरीके से कोई सर्च इंजन आपकी साइट को इंडेक्स करता है, और इसके बाद उसकी कैसे टेस्टिंग होती है, और अगर आपकी साइट उस सैंडबॉक्स से बाहर होगी जिसकी कोई ड्यूरेशन नहीं है, कोई लिमिटेशंस नहीं है, वो एक महीना, दो महीना, एक साल, दो साल भी हो सकता है, डिपेंड करता है आप कैसे आपके कंटेंट को लिखते हैं। तो गाइस ये मैकेनिज्म हो गया कि किस तरीके से सर्च इंजन काम करता है। अभी बात करते हैं यहाँ पे साइट मैप कैसे हेल्प करता है। देखिए साइट मैप क्या करता है, वो आपकी साइट का एक तरीके से एक मैप क्रिएट करता है कि मेरे साइट पे ये पोस्ट है, तो उसका एक यूआरएल क्रिएट करता है, ये कैटेगरीज है उसका यूआरएल क्रिएट करता है, पेजेस का यूआरएल क्रिएट करता है, इमेजेस का यूआरएल क्रिएट करता है, फिर जैसे ही पोस्ट होता है उसके अंदर आपके सारी पोस्ट का यूआरएल होता है। तो क्या करता है, सर्च इंजन के क्राउलर जो आता है उसको हेल्प हो जाती है, वो इंस्टेड कि आपकी साइट पे जाकर के ढूंढेगा कि कौन से पोस्ट में चेंजेस आया, कौन से में नहीं आया है, वो क्या करेगा आपकी साइट पे साइट मैप को चेक करेगा और देखेगा कि इस साइट मैप की जो यूआरएल है उसकी डेट में आज की डेट में चेंज आया, तो फटाफट से उसको इंडेक्स कर देगा। तो ये एडवांटेज होता है साइट मैप का। अभी बात करते हैं कि अगर हम एचरेफ जैसे इन तरीके के टूल्स को यूज करते हैं, तो गाइस ये कैसे वो जो कीवर्ड दिखाते हैं। गूगल की तरह इन्होंने भी अपना बैकएंड इसी तरीके से डिजाइन किया हुआ है, इनके भी सर्चेज होते हैं, इनके भी क्राउलर्स होते हैं, और इनके भी इंडेक्सिंग होती है। ये क्या करता है, इनके क्राउलर आपकी साइट पे जाते हैं और जाकर के देखते हैं कि गूगल ने आपके कीवर्ड को सर्च इंजन के अंदर कौन सी पोजीशन पे दे रखा है, और मोस्टली जो टूल्स होते हैं वो डेटा दिखाते हैं आपको 1 to 100 के बीच का। अगर आपका कोई कीवर्ड 1 से लेकर 100 के बीच में कहीं एग्जिस्ट करता है, चाहे वो किसी भी कंट्री में किसी भी क्वेरी के लिए हो, तभी ये सारे टूल, चाहे एचरफ ले लो, सैमरश ले लो, ये तभी दिखाते हैं। अगर उससे बाहर चला गया तो वो उनकी काउंटिंग में नहीं आता है, क्योंकि वो डेफिनेटली यूजलेस है, 10 पेजेस के बाद में कौन जाकर के पढ़ता है, राइट। तो गाइस इस तरीके से सर्च इंजन काम करता है। आई होप कि यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट कीजिएगा, आपके ओपिनियन दीजिएगा, पेंडिंग क्वेरीज को भी पोस्ट कीजिएगा, चैनल को लाइक कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, और बने रहिए हमारे अगले वीडियो के अंदर जहाँ पे हम कुछ और अच्छा खासा डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।